इस वक्त हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में हैं और ये दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम है। आपको बताना चाहूँगा कि तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे कि ग्राउंड का जो है वो काम चला हुआ है और ये खुदाई जो है वो 1.5 फुट तक जो है वो खुदाई की जा रही है। और आपको मैं बता दूँ कि ये खुदाई इसलिए की जा रही है कि जब मैच होते थे तो बारिश के कारण जो है वो काफ़ी देर तक जो है वो उस मैच के लिए जो ग्राउंड तैयार किया जाता था, सुखाया जाता था, वो काफ़ी टाइम उसमें जो है वो स्पेंड किया जाता था। अब नई टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो ग्राउंड को तैयार किया जाएगा। आपको अगर मैं बताना चाहूँ कि ये पिच के पोर्शन को छोड़ के जो है वो पूरा ग्राउंड जो है वो दोबारा से तैयार किया जाएगा। उस अगर नई टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें ग्राउंड में जो है वो नई पाइपें डाली जाएंगी और उस पंप के द्वारा जो है वो पूरा पानी सोखा जाएगा। उस पानी से जो है वो ग्राउंड अगर जैसे कि अगर पहले की बात करें तो पहले जो है वो 1 से 1.5 घंटे में जो है वो ग्राउंड सुखाया जाता था और अब नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो ग्राउंड तैयार होगा तो उसमें जो है वो 20 से 25 मिनट में ही ग्राउंड सूख दिया जाएगा। और उसी तरह से जो है वो अब स्टेडियम का काम चला है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला से पंकज की रिपोर्ट कि यहाँ पर बारिश जो बहुत होती है और ड्यूरिंग मैच अगर बारिश हो तो मैच को रीस्टार्ट करने के लिए कितना टाइम हम कम से कम कर सकते हैं मैच, ताकि ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो और मैक्सिमम ओवर जो है मैच के हो सकें, इसलिए ये पूरा सिस्टम जो है दोबारा रिले कर रहे हैं। ग्राउंड को हम रिले हो जाने के बाद ये हमारा जो एम है ये पूरा हो जाएगा। ये सब एयर सिस्टम होता है जो एक बार जब आप इसको खुदाई करके कोई 1.5 फुट नीचे जाके पाइपें ले कर देंगे पूरे ग्राउंड में पिच को छोड़कर और उनको कनेक्ट कर देंगे पंप से, पंप से सक्शन के द्वारा इसको पानी को ये जो खींच लेता है सारा और उस पानी को पंप के थ्रू बाहर फेंक दिया जाता है। तो वो जो प्रोसेस है जैसे हम सुपर चलाते हैं उसमें काफ़ी देर लगता है, मैन पावर काफ़ी होती है, इसमें वो कुछ नहीं होगा। इसमें मैक्सिमम 90% जो है उसमें ड्रेन आउट हो जाएगा पानी और एक बार सुपर चला और जल्दी से जल्दी मैच स्टार्ट हो जाएगा।